हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिण प्रताप सिंह, आप सभी लोग अपने सर्च क्वेश्चन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में समराइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। समराइजिंग जो है राइटिंग स्किल के अंतर्गत पूछा जाता है। देखिए, राइटिंग स्किल के अंतर्गत आपसे नौ प्रकार की चीज़ें पूछी जाएंगी। नोट मेकिंग पूछा जाएगा, समराइजिंग पूछा जाएगा, सब टाइटलिंग पूछा जाएगा, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट। ये नौ प्रकार की चीज़ें आपसे राइटिंग स्किल के अंतर्गत पूछी जाएंगी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नोट मेकिंग के बारे में बताया था कि नोट मेकिंग क्या होता है, उसका एक उदाहरण भी दिया था और नोट करना मैंने बताया था। और आज वाले वीडियो में हम लोग समराइजिंग को पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि समराइजिंग किसे कहते हैं। समराइजिंग क्या करें कि समराइजिंग इज द सेलेक्शन एंड ब्रीफ नोट्स ऑफ द पैसेज। समराइजिंग क्या है? समराइजिंग द सिलेक्शन ब्रीफ नोट्स ऑफ द पैसेज, या हिंदी में भी मैंने लिखा है समराइजिंग गद्यांश का क्या होता है? संक्षिप्त लेखा होता है। समराइजिंग जो है गद्यांश का संक्षिप्त लेखा होता है। कहने का तात्पर्य है, एक है यह है कि पैसेज हमारे सामने दिया होगा, उस पैसेज को पढ़ के हम समझ लिए कि उसकी हम समरी लिखेंगे। ठीक है, आप जैसे कोई फिल्म देखते हैं, दो घंटे तीन घंटे की फिल्म देखते हैं, जब आप किसी को उस स्टोरी के बारे में बताते हैं तो आप दो या तीन घंटा नहीं लेते हैं, आप जो है कुछ समय में इस तरह बताने का प्रयास करते हैं कि पूरी स्टोरी समझ में आ जाए और आप कुछ ही समय में उसको बता देते हैं। तो समराइजिंग का मतलब भी वही होता है कि एक बड़े गद्यांश को जो है, एक बड़े पैसेज को हम एक छोटे पैसेज में उसको उसकी मुख्य बातों को जो है हम एक जगह एकत्रित करें। देखिए, वैसे समराइजिंग का तो कोई निश्चित नियम नहीं है किसे कितने वर्ड का होना चाहिए, लेकिन अधिकांशता जो है नियमतः एक 1/4 होना चाहिए, मतलब पूरे पैसेज का 1/4 भाग होना चाहिए और आपका किसी भी दशा में आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वह समराइजिंग के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। ठीक है, आधे अगर अधिक से अधिक लिख रहे हैं तो आधा, पूरे पैसेज का आधा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नियमता जो है 1/4 होना चाहिए। और कुछ चीज़ों को समराइजिंग करते समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख दिया है। जैसे पहला है कि रीड द पैसेज केयरफुली, पूरे पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। करें कि फिर उसके बाद वर्ड रीडिंग, शब्दों को पढ़िए, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट आइडियाज़, जो महत्वपूर्ण आइडियाज़ हैं उनको समझिए, एंड अंडरलाइन दे और उनको अंडरलाइन कर दीजिए, जो महत्वपूर्ण विचार हैं, जो आइडिया हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए। एब्रेडिंग द वर्ड्स, क्रियाओं को छोटा करिए। एग्जाम्पल शुड नॉट बी यूज, एग्जाम्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पाँचवा है कि डू नॉट रिपीट एनी आइडिया, किसी भी आइडिया को दोहराइए मत। और छठवा है अवॉइड एक्सप्लेनेशन, किसी भी विचार की व्याख्या करने से बची। ठीक है, ये समराइजिंग के ये रूल्स हैं कुछ। अब आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार उसको उसकी समरी को लिखा गया है। देखिए, ये पैसेज आपके सामने दिया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, लिखा है कि अ पुअर वुमन, एक गरीब औरत, वंस एक बार केम टू द बुद्ध, बुद्ध के पास आई, टू आस्क हिम, उनसे पूछने के लिए या उनसे कहने के लिए कि वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या वह कोई दवा दे सकते हैं, टू रीस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, जिससे उनके मरे हुए बच्चे का जीवन वापस आ सके। और फिर से पढ़ते हैं उसको, करा कि अ पुअर वुमन, एक गरीब औरत, वंस एक बार केम टू द बुद्ध, बुद्ध के पास आई, टू आस्क हिम, उनसे कहने के लिए या उनसे पूछने के लिए कि वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या वो उसे कोई दवा दे सकते हैं, टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, जिससे उसके मृत बच्चे का जीवन रिस्टोर हो सके, मतलब उसका बच्चा जो है पुनः जीवित हो सके। दी होली मैन, कह रहा है कि उस पवित्र व्यक्ति ने, टस्ट बाय द ग्रेटेस्ट ग्रीफ, ग्रेटेस्ट सारो ऑफ द वुमेन, कह रहा है कि उस औरत के महान दुख से प्रभावित होते हुए उस पवित्र व्यक्ति ने, टोल्ड हर, उससे कहा, दैट कि देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन, उन्होंने कहा कि केवल एक ही दवा है, विच कुड रिवाइव हर सन, कह रहा है विच कुड रिवाइव हर सन, जो उसके लड़के को जीवित कर सकती है। ही बेड हर, उन्होंने उससे कहा, ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी सरसों का बीज लाने के लिए, फ्रॉम ए हाउस, उस घर से, वेयर, जहां पर डेथ हैड नेवर एंटर्ड, जहां पर मृत्यु ने कभी प्रवेश न किया। उन्होंने उस औरत से कहा, तुम्हारा बच्चा ठीक हो सकता है, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला करके दो, लेकिन यह सरसों का बीज उस घर से देना जहां पर कभी मृत्यु प्रवेश न की हो। दिस सॉरिंग मदर, रह उस वह दुखी माँ, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वह दरवाजे दरवाजे गई, सिकिंग द मस्टर्ड सीड,
तरह की सरसों के बीज को प्राप्त करने के लिए, बट एट एवरी डोर, लेकिन हर दरवाजे पर, सी मेट विद द सैड रिप्लाइज, कह रहा है कि उससे वह दुखी उत्तर ही मिला, लेकिन हर दरवाजे पर उसे दुखी उत्तर ही मिला। वन सेट किसी ने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, कि मैंने अपने पति को खोया है। एंडर सेट किसी दूसरे ने कहा आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, कि हमारा सबसे छोटा लड़का पिछले साल मर गया। सी रिटर्न्ड विद ए हैवी हार्ट, वह भारी मन से वापस लौटाई टू द टीचर, टीचर के पास, वह शिक्षक के पास जो है भारी मन से वापस लौटाई। कौन टीचर है? बुद्ध है। हु टोल्ड हर टेंडरली, जिन्होंने कोमलता से उससे कहा दैट की सी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, कि उसे अपने दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सिंस जबकि सारो एंड डेथ, दुख और मृत्यु आर कॉमन टू ऑल, सभी लोगों के लिए सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो है अपने दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जबकि दुख और मृत्यु सभी लोगों के लिए सामान्य चीज़ है, मतलब सभी को दुख और मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। अब ये हो गया पूरा पैसेज, अब इस पैसेज की समरी को हमको लिखना है, तो आइए देखते हैं इसको कि इसकी समरी को कैसे लिखा गया है। देखिए ये पूरी समरी है, जो मेन आइडियाज़ हैं उन्हीं को हमने छाट करके यहाँ पर लिखा है। मैंने बताया था कि ऐसे हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए या करना चाहिए कि पूरे पैसेज का 1/4 से ज़्यादा न हो, ठीक है। तो क्या आप लिखा कि वंस, एक बार अ वुमन, एक औरत केम टू बुद्ध, बुद्ध के पास आई विथ हर डेड सन, अपने मृत लड़के के साथ। एक बार एक औरत अपने मरे हुए लड़के के साथ बुद्ध के पास आई। सी आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा इफ़ यू कुड रिवाइव हर सन, कि क्या वह उसके लड़के को जीवित कर सकते हैं। द बुद्ध टोल्ड टू हर, बुद्ध ने उससे कहा नॉट टू बी सॉरी, दुखी न होने के लिए, बिकॉज क्योंकि नो वन कैन एस्केप डेथ, क्योंकि कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता, एंड सारो और दुख से नहीं बच सकता। यू कैन फाइंड डेथ इन एवरी हाउस, तुम्हें मृत्यु हर घर में मिलेगी। इट इज़ कॉमन टू ऑल, यह एक सामान्य बात है, मतलब सभी लोगों के लिए एक सामान्य बात है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा पैसेज था, पूरे पैसेज का निचोड़ सारी चीज़ में इस समरी में आ गई, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, छुटा नहीं है। जो फालतू चीज़ होती है हम उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह समराइजिंग करना है, किसी पैसेज को समराइज करना है इसी तरह। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जो है इस पैसेज का अपने ब्लॉग पर इस पैसेज को डाला हूँ, इसका इस पैसेज की हिंदी को भी लिखा हूँ, इस समरी की हिंदी को भी लिखा हूँ अच्छी तरह समझा करके। अगर आप कहीं नोट करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पर जा करके वहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।